औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी ख़त्म कर दे और आपका रिस्क और रिस्क के हलाल को इतना बुलंद कर दे कि आपको कभी भी रिस्क की कमी महसूस ना हो। आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगी, इससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहती हूँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस गोश्त और खून ने हराम से परवरिश पाई जहन्नुम इसकी ज्यादा हकदार है। इस बात से लगाने की ये कितनी बड़ी मुसीबत की बात है, परेशानी की बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े अल्फाज कहे। गोश्त और खून, हर चीज, खासकर इंसान गोश्त और खून का ही बना हुआ है, तो ये इंसानों की तरफ ही इशारा किया गया है। तो आज मैं आपको वजीफा बताऊंगी, अगर आप हलाल रोजी कमाना चाहते हैं और दस्ते गायब से आप चाहते हैं कि रिज़्क़ आए, तो सिर्फ छोटा सा एक काम है, आप वो किया करें। सुबह जिस वक्त अपने घर से पहला कदम बाहर निकालें, 3 दफा सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये 3 मरतबा पढ़ा करें। और जैसे ही अपने घर दाखिल होते हैं, पहला कदम अपने दरवाजे से अंदर रखते हैं तो 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़ा करें, तो इंशाअल्लाह आपको रिज़्क़ की कभी भी कमी नहीं आएगी। और जो भी आपका कदम उठेगा, जितना भी आपका सफर होगा, उस सफर में आपके लिए अल्लाह पाक नेकी ही नेकी लिखते चले जाएंगे। और सुबह से लेकर अगर आप अपने घर दाखिल होते हो तो ये नेकियां आपके साथ होंगे। बहुत प्यारा अमल है, करके देखिएगा। इंशाल्लाह एक हफ्ते या 3 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ऊपर तवक्कुल मजबूत रख के करें तो जरूर कामयाब होंगे। इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।